है एवरी वन आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो सो टुडेज डेट इज़ नाइन्थ ऑफ मार्च एंड करेंटली टाइम हुआ है इलेवन डॉट ज़ीरो फाइव तो आज के दिन मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी में आज के दिन हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है एंड बैंक निफ्टी का रेंज आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मॉर्निंग इट्सल्फ में शेयर किया गया सो दिस वॉज द टुडेज रेंज एज ड्रॉन ऑन टू द चार्ट तो इस रेंज के बेसिस पर हमने एक शॉर्टिंग ट्रेड को आज के दिन क्रिएट किया है सो टू फिफ्टी को हमने शॉर्ट किया है बैंक निफ्टी के मार्च फ्यूचर्स में ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ थर्टी थ्री थाउजेंड टू थर्टी सेवन तो एंट्री लाइन को यहाँ पर मैं मार्क करूँगा एक ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन से 33,237 थ्री ओके okay, तो अराउंड इस पॉइंट पर एंट्री को लिया गया है तो जैसे कि देख सकते हैं अभी अभी एंट्री को हमने यहाँ पर प्लेस किया है एंड मार्केट करेंटली हमारे एंट्री प्राइस के अराउंड मूव कर रहा है तो आज का जो एस एल यहाँ पर रखा गया है ये रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल पर हमने एस एल को प्लॉट किया है सो दी हाई ऑफ दिस ग्रीन कैंडल कि मार्केट ने सेलर्स ने मार्केट को रेजिस्टेंस से नीचे पुश किया एंड अगेन बाइंग आया एंड इस ग्रीन कैंडल के हाई से अगेन मार्केट रजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है तो नियरेस्ट रजिस्टेंस लेवल पर हमारा यहाँ पर एस एल प्लॉटेड है एंड एंट्री हैज़ बीन टेकन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट चलिए तो जैसे कि पोज्यूशन देख सकते हैं पोज्यूशन अभी नॉमिनल कह सकते हैं ब्रेक इवन चल रहा है एंड हमारे एंट्री के रेंज में है चलिए तो लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों आज के दिन इसे शॉर्ट किया गया है एंड किस बेसिस पर आज का व्यू मार्केट में हमारा बियरिश है तो अगर प्राइस को यहाँ पर मैं अपना जूमआउट करूँ तो अगर करेंटली अगर बैंक निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे तो वी ऑल कैन सी कि बैंक निफ्टी हमारा सेलिंग ट्रेंड में तो देखिए आज का ट्रेड काफ़ी बेसिक लॉजिक पर बेस्ड है कि प्राइस का नेचर क्या है प्राइस के नेचर पर बेस्ड है कि जैसे मार्केट करेंटली अभी कंटिनसली सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू किया है राइट right? एंड मार्केट अभी इस पर्टिकुलर लेवल पर ट्रेड हो रहा है तो जो प्राइस का नेचर है कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड से कंटिन्यूस ऐसा बाइंग साइड पर अप नहीं हो सकता है ये प्राइस का जनरल बिहेवियर है ये काफ़ी ही ज़्यादा प्राइस का एक बेसिक नेचर है कि जिस तरह से प्राइस मूवमेंट्स करता है कि प्राइस कभी भी ऐसे अगर सेलिंग ट्रेंड में है तो कंटिन्यूस ऐसे सिंगल स्विंग में लो से अप नहीं करेगा जैसे देखिएगा कि अगर यहां पर मार्किंग किया जाए तो इस पूरा वीक का लो बैंक निफ्टी ने कल के दिन क्रिएट किया है एंड कल के दिन के वीक के लो से ये कंटिन्यूस बाइंग आया है तो ये कंटिन्यूस बाइंग क्या नहीं हो सकता है ऐसा डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं हो सकता है, कि ये कंटिन्यूस बाइंग है एंड बिल्कुल वीक का लो क्रिएशन के बाद कंटिन्यूअस बाइंग साइड शॉर्टअप हो दिस इज नॉट द नेचर ऑफ द प्राइस बिहेवियर चलिए सो so इस बेसिस पर वीकनेस भी है बैंक निफ्टी देखेंगे निफ्टी से अगर इसे कंपेयर करेंगे तो निफ्टी देखेंगे कि जो गैप अप हुआ गैप डाउन हुआ था इस गैप डाउन को निफ्टी ने फिलअप कर दिया एंड निफ्टी भी कंटिन्यूस शॉर्ट अप मोमेंटम में है तो जो अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन है इंडेक्स में कि ऑल ओवर निफ्टी फिफ्टी क्या है एक एवरेज है फिफ्टी स्टॉक्स का तो जैसे कि निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यूस इतना बाइंग शॉर्ट अप हुआ है तो अब ये और ज़्यादा यहाँ से गैप अप के बाद जो फिलिंग हुआ है गैप डाउन का यहाँ से मार्केट क्या करेगा रेजिस्टेंस को फेस करेगा क्योंकि प्राइस का नेचर है प्राइस स्विंग के नेचर में चलता है ऐसे कंटिन्यूस ये ट्रेंड को रिवर्स प्राइस नहीं कर सकता है ये प्राइस का नेचर नहीं है तो निफ्टी फिफ्टी या ऑल ओवर एन मार्केट्स में सेलिंग यहाँ से एक्सपेक्टेड है एंड बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज़ ऑलरेडी वीक बैंक निफ्टी वीक क्यों है क्योंकि निफ्टी भी गैप डाउन हुआ बैंक निफ्टी भी गैप डाउन हुआ निफ्टी में ये गैप फिल हो चुका है बट बैंक निफ्टी में वीकनेस के चलते मार्केट्स ने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है एंड देखिए एज़ आई एम एक्सप्लेनिंग मार्केट हैज़ स्टार्टेड टू मूव ऑन टू द डाउन साइड एंड मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है तो अगर करेंट प्राइस का बिहेवियर देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं टारगेट्स को मेजर करूँ तो यहाँ पर हम मार्किंग को करेंगे कि हमारे रिसेंट जो आज का लोअर सपोर्ट है यहाँ तक हमारा कितना टारगेट्स आज के दिन बन सकता है तो ये एस एल पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया है तो काफ़ी छोटे एस एल के साथ आज का ट्रेड एग्जीक्यूटेड है तो जो टारगेट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे वो बैंक निफ्टी में सम्वॉट अराउंड इस सपोर्ट एरिया के पास हम एग्जिट करेंगे चलिए तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर दूंगा कि सपोर्ट के थोड़ा ऊपर अराउंड इस पॉइंट पर तो आज के दिन जो एक्सपेक्टेशन है हमारा टारगेट का वो है वन टू वन रेशियो टू पॉइंट फाइव तो वन रेशियो टू पॉइंट फाइव रिस्क एंड रिवॉर्ड का आज के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओके सो टारगेट ऑर्डर्स को यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे क्योंकि मार्केट एक सडन सेल ऑफ़ में आगे ही हमारा टारगेट हाइएस्ट पॉसिबिलिटी काफ़ी जल्दी आज के दिन अचीव हो जाएगा तो टारगेट ऑर्डर्स को यहाँ पर मैं प्लेस करूंगा हम बाय करेंगे लिमिट प्राइस पर Uh, 33,069.5 ओके okay, 33,069.5 चलिए सो so लिमिट ऑर्डर यहां पर मैंने प्लेस कर दिया है ऑर्डर बुक में देख सकते हैं हमारा यहां पर ऑर्डर प्लेस हो गया है अब काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप ये ऑर्डर बुक एंड पोजीशन बुक को एक साथ चार्ट के साथ कैसे यहां पर ले आते हैं तो देखिए काफी क्वेश्चन था इसके रिलेटेड तो ये यहां पर आप देखेंगे लाइटनिंग का सिंबल बना है। इस पर क्लिक करेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तो ये आपका ओपन हो जाएगा है ना तो ये चीज है बाकी ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जीरो का आप सेटिंग्स में जाकर के वहां एक काइट होगा एंड एक ट्रेडिंग व्यू होगा तो ट्रेडिंग व्यू आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं चलिए सो करेंटली पीएनएल इज अराउंड इन प्रॉफिट्स ऑफ नाइन थाउजेंड और एट थाउजेंड रुपीज तो आगे जो भी होता है मार्केट किस तरह से बिहेव करता है मैं आप सभी को अपडेट करूंगा ओके ट्रेडर सो करेंटली टाइम हुआ है ट्वेल्व डॉट जीरो वन एंड जैसे कि हम चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट एज एक्सपेक्टेड सेलिंग साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू किया बट एक सडन रिवर्सल या हमारे टारगेट्स लेवल के थोड़ा ऊपर से कुछ पॉइंट से मिस करते हुए मार्केट ने बाउंस बैक किया एंड हमारे एसएल को आज के दिन प्राइस ने यहाँ पर हिट कर दिया है तो टुडे तो वी हैव बुकड सम अराउंड अ लॉस ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी ही स्मॉल लॉस है एंड फेवरेबल लॉस है सो इस ट्रेड से हमें क्या सीखने को मिलता है द डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टू दी मार्केट कि हम प्रॉफिट्स तो हम कल के दिन या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में भी कर लेंगे बट वेन एवर इज़ द लॉस मेकिंग डे इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट सो so प्रॉपर हमारे डिसिप्लिन के साथ हमने एस को आज के दिन मार्केट्स में दिया है कि फिक्स्ड अमाउंट को ही हमने आज के दिन यूज किया है चलिए सो दिस वाज द ट्रेड फॉर टुडे फॉर रेगुलर अपडेट्स अबाउट दी रेंज जैसे कि आज के दिन रेंज में ही ट्रेड को लिया गया तो जो भी अपडेट होता है आई कीप पोस्टिंग ऑन टेलीग्राम चैनल सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल आप रेगुलर अपडेट्स के लिए इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं सो so आने वाली वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी